हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के सीबीटी 2 या लेवल 2 के लिए आपकी एग्जाम ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 23 के बारे में। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हमने लुब्रिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ा और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 23 में कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कूलिंग सिस्टम जो है आपका, वो उसकी ज़रूरत क्या पड़ी एक आईसी इंजन में या एक डीजल इंजन में, ठीक है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जब इंजन में फ्यूल के जलने से बहुत अधिक क्या होती है, हीट जनरेट होती है, इसका कुछ भाग क्या होता है, एडजस्ट गैसें और लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा दूर हो जाता है। इसका जो कुछ भाग होता है वो किसकी वजह से दूर हो जाता है, एग्जॉस्ट गैसों और लुब्रिकेशन सिस्टम की वजह से दूर हो जाता है। बाकी बची जो गर्मी होती है उसको दूर करने के लिए एक कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है। कूलिंग सिस्टम दोस्तों ऐसी होनी चाहिए कि तापमान को काफ़ी क्लोज लिमिट में बनाए रखे, जिससे अच्छा कंप्रेशन अनुपात और अधिकतम पावर जनरेट की जा सके, ठीक है। अब इंजन का दोस्तों अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उससे क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, इंजन क्या होगा, ओवरहीट होगा, और जो लुब्रिकेटिंग ऑयल की आपने जो फिल्म बनाई थी, जो कि सिलेंडर की दीवारों, पिस्टनों और पिस्टन रिंगों को क्या कर देगी, ख़राब कर देगी, वो जल जाएगी। क्योंकि लुब्रिकेटिंग, जब इंजन आपका गर्म होगा तो लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो फिल्म बनी है आपकी सिलेंडर की दीवारों पे, पिस्टनों पे और पिस्टन रिंगों पे, तो वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी और उनको ख़राब कर देगी, ठीक है। इससे विस्फोट भी हो सकता है और इंजन ख़राब हो सकता है। अब इंजन ज़्यादा ठंडा होगा तो क्या होगा दोस्तों, इंजन अधिक चलेगा, मतलब अधिक जलेगा, जो उसका फ्यूल होगा वो ज़्यादा जलेगा, इंजन की जो पावर होगी वो भी कम हो जाएगी अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि इंजन ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। कूलिंग प्रणाली, जो कूलिंग सिस्टम को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वह कूलिंग को तब तक रखे जब इंजन गर्म हो रहा है, जब वह अधिकतम कार्यकुशल ऑपरेटिंग तापमान तक पहुंच जाए तो कूलिंग शुरू हो जाए, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना चाहिए कूलिंग सिस्टम में। अब कूलिंग सिस्टम किस तरह से दिखता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इमेज दिख रही होगी आपको, तो मैं आपको वन बाय वन करके समझाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है आपका इंजन, ठीक है, इंटरनल कंबसन इंजन दिखाया गया है। सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर लगा है रेडिएटर कोर, ठीक है, रेडिएटर। इसके नीचे लगा है बॉटम टैंक, ठीक है। ये ऊपर लगा है टॉप रेडिएटर हॉस, ठीक है। ये इंजन ड्राइव फैन लगा हुआ है, यहाँ पर वाटर पंप है आपका, ठीक है। इतना सा आपको याद रखने का। एक और मैं आपको इमेज दिखाता हूँ जिससे और आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं एयर फ्लो होती है, यहाँ पर ये रेडिएटर लगा हुआ है, ठीक है। ये लगा है थर्मोस्टेट वाल्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका हीटर लगा हुआ है, ये इंटरनल कंबसन इंजन है, ठीक है। यहाँ पर वाटर पंप लगा हुआ है, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने आपको बता दिया, ये फैन लगा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं कि जो आपका कूलिंग सिस्टम है वो है क्या, ठीक है। कूलिंग सिस्टम तो आपको समझ में आ गया हो क्या ज़रूरत पड़ी कूलिंग सिस्टम की, ना ही इंजन को हमें ज़्यादा ठंडा करना है और ना ही इंजन को ज़्यादा गर्म होने देना है, ठीक है। इतना सा आप याद रख। अब फ्रेंड्स, आपके जो कूलिंग सिस्टम है वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एयर कूलिंग और एक होता है लिक्विड कूलिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एयर कूलिंग क्या होता है। दोस्तों, इस सिस्टम में दो या तीन पहियों वाले वाहनों, हवाई जहाज के इंजनों और छोटे स्टेशनरी इंजनों में प्रयोग किया जाता है आपका एयर कूलिंग। अब होता है क्या इस प्रोसेस में, तो आप लोग इस इमेज को देखिए, फिर आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों हवा जो एयर रहती है उसको सिलेंडर और सिलेंडर हेड पर क्या करते हैं, गुजारा जाता है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। बहुत अच्छी कूलिंग प्राप्त करने के लिए गर्म क्षेत्रों पर कास्ट कर दिया जाता है, जो कि अधिक हीट रेडिएटिंग सरफेस प्रदान करते हैं, ठीक है। मल्टी सिलेंडर एयर कूल इंजनों में क्रैंकशाफ्ट से चलने वाला एक पंखा लगाया जाता है, जो कि एक नाली से हवा को फोर्स करता है, जिससे यूनिफॉर्म बहाव हो सके, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है एयर कूलिंग में, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एयर कूलिंग फिन्स दिख रहा है। फिन्स क्या होते हैं दोस्तों, फिन्स या तो सिलेंडर के साथ ही ढाले जाते हैं या एक बैरल जिसके ऊपर फिन्स बने होते हैं सिलेंडर पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। हवाई जहाज में दोस्तों जो होते हैं वो हवाई जहाज का इंजन होता है वो फिन्स द्वारा ही ठंडा किया जाता है। इतना सा आपको याद रखना चाहिए। अब इसके कुछ लाभ और हानि होते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों, एयर कूलिंग के क्या क्या लाभ होते हैं, किसी रेडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है। एयर कूलिंग में पानी के जमने का खतरा नहीं होता। वाटर कूल इंजनों की अपेक्षा एयर कूल इंजनों का भार लगभग 10% क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये भी इसके प्रॉफिट हैं एयर कूलिंग के। दोस्तों, जो लॉस हैं या हानि हैं वो हैं आपकी इंजन की अधिक गर्मी के अंतर्गत होने से कंप्रेशन अनुपात थोड़ा सा क्या होता है, कम प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट हानि है कि इंजन की पावर का 5% भाग पंखे के चलने में खर्च हो जाता है आपका। इंजन की पावर का 5% भाग क्या हो जाता है, जो उसका पंखा रहता है उसके चलने में ही खर्च होता रहता है, ठीक है।
एक समान यानी कॉन्स्टेंटली कूलिंग बनाए रखना इसमें बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, ठीक है, एयर कूलिंग में, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारी टाइप कूलिंग, जिसका नाम है लिक्विड कूलिंग। दोस्तों ये कैसी कूलिंग है? ये दोस्तों ऐसी कूलिंग है कि लिक्विड कूलिंग में अधिकतर पानी का प्रयोग किया जाता है, जिससे कभी कभी एडिटिव्स को भी मिला दिया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, कभी कभी एडिटिव्स को भी मिला दिया जाता है लिक्विड कूलिंग में, ठीक है। अधिकतर इंजन वाटर ओल्ड होते हैं, ठीक है, वाटर कोल्ड होते हैं अधिकतर, ज़्यादातर इंजन क्या होते हैं, वाटर कोल्ड होते हैं, क्योंकि इनके निम्नलिखित लाभ होते हैं। इनसे क्या होता है, मैकेनिकल जो शोर होता है, मैकेनिकल नॉइज़ होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। इंजन के विभिन्न पार्ट्स का तापमान अधिक यूनिफॉर्म होता है, हमें यूनिफॉर्म ही तो रखना है, यानी एक समान ही तो रखना है, जितने भी इंजन के भाग हैं उनका तापमान एक समान रखना है, लिक्विड कूलिंग्स के जरिए वो भी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना सा आपको याद रखना चाहिए, लिक्विड कूलिंग का आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, आगे हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। अभी तक के लिए आप लोग इसको इमेज को अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, लिक्विड कूलिंग में इस तरह सा डायग्राम दिखता है, ठीक है। सारी चीज़ें, सारे पॉइंट ऑफ व्यू, सारी वर्किंग प्रोसेस आगे क्लियर की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आता है कि आपका वाटर कूलिंग प्रणाली। अब लिक्विड कूलिंग में ही आपकी सबसे पहले आती है वाटर कूलिंग प्रणाली। दोस्तों सिलेंडर जैकेटों में पानी द्वारा सोखी गई गर्मी की विधि के अनुसार वाटर कूलिंग सिस्टम निम्नलिखित दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, एक होता है आपका ओपन टाइप कूलिंग सिस्टम और एक होता है क्लोज टाइप कूलिंग सिस्टम, ठीक है। ओपन टाइप कूलिंग सिस्टम क्या होता है वो पहले हम लोग जानते हैं। दोस्तों ये प्रणाली दो प्रकार की होती है, या तो जैकेटों से निकले गर्म पानी को बेकार जाने देना, या स्प्रे या कूलिंग टावर में ठंडा करने के बाद उसे फिर से सर्कुलेट कर देना, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, इस दो प्रकार की होती है, जैकेट से जो पानी निकलता है गर्म पानी को बेकार जाने देता है, या फिर उसको स्प्रे या कूलिंग टावर में ठंडा करने के बाद फिर से क्या कर दें, सर्कुलेट कर दें, ये होता है आपका ओपन टाइप कूलिंग सिस्टम में, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोज टाइप वाटर कूलिंग सिस्टम। दोस्तों इसमें सिस्टम में क्या होता है, कूलिंग सिस्टम में सबसे पहले आप इसकी इमेज देख लीजिए, फिर वन बाय वन करके इसके पॉइंट हम लोग समझते हैं, ठीक है। दोस्तों इस प्रणाली में जैकेटों से बाहर निकलने वाला गर्म पानी एक हीट एक्सचेंजर में ठंडा किया जाता है, ठीक है, फिर से सर्कुलेट किया जाता है, किसमें, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हीट एक्सचेंजर में क्या कहते हैं, वाटर को ठंडा किया जाता है, फिर से इसको क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हीट एक्सचेंजर दो प्रकार के होते हैं, आपका एक होता है रेडिएटर टाइप और एक होता है पानी से पानी टाइप, ठीक है। हीट एक्सचेंजर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाटर टू वाटर हीट एक्सचेंजर टाइप और एक होता है वाटर टू एयर हीट एक्सचेंजर टाइप, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों कि रेडिएटर टाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑटोमेटिक इंजनों और स्टेशनरी इंस्टॉलेशन में किया जाता है, ठीक है। रेडिएटर टाइप जो आपका हीट एक्सचेंजर होता है उसका ऑटोमेटिक इंजनों में किया जाता है और स्टेशनरी इंस्टॉलेशन में किया जाता है, ठीक है। इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि गर्मी को हवा में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है, जो आपकी हीट जनरेट हुई उसको, जो एयर है उसको क्या करते हैं, एयर में क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। पानी से पानी प्रणाली का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, जो वाटर से वाटर हीट एक्सचेंजिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, मरीन और इंडस्ट्रियल डीजल इंजनों में किया जाता है, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। रेडिएटर टाइप का उपयोग किया जाता है ऑटोमेटिक इंजनों में और स्टेशनरी इंस्टॉलेशन में, ठीक है। और जो वाटर टू वाटर सिस्टम है उसका उपयोग किया जाता है मरीन और इंडस्ट्रियल डीजल इंजनों में किया जाता है, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है क्लोज टाइप वाटर कूलिंग सिस्टम में, ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों ये डीजल मैकेनिक का कूलिंग सिस्टम, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है डीजल मैकेनिक कूलर, जो डीजल इंजन होता है उसका कूलिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कूलिंग का जो ऐसा सिस्टम है, इसमें क्या होता है, सिलेंडर कंबसन चैम्बर वाल्व सीट के चारों तरफ बने वाटर जैकेट में क्या करते हैं, वाटर फ्लो किया जाता है, ठीक है। और जो वाटर पंप रहता है उसको जो एनर्जी मिलती है वो आपकी क्रैंक शॉफ्ट से मिलती है, ठीक है। यह पानी इंजन की ऊष्मा को क्या करता है, ग्रहण करता है। यदि इंजन में पानी का स्तर कम रखा जाए तो पिस्टन का वॉल से चिपकना, इंजन का नॉकिंग, वेयरिंग की खराबी हो सकती है, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। फोर स्ट्रोक इंजन वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड दोनों होता है, जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है आपका वो वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड दोनों होता है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात कर लें, कौन कौन से कंपोनेंट्स आता है, यहाँ पर आपका सबसे पहले लगा है इसका रेडिएटर, ठीक है, ये आपका लगा है कूलिंग फैन, ठीक है। एक एक पार्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे कि कौन सा पार्ट किस तरह से वर्क करता है। ऊपर लगा है आपका प्रेशर रिलीफ कैप, ठीक है, यहाँ पर अंदर आपको आईसी इंजन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर लगा है थर्मोस्टेटिक वाल्व, ठीक है, यहाँ पर आपका लगा है वाटर पंप, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना चाहिए। इंजन असेंबली यानी हमने बताया आपको इंटरनल कंबसन इंजन यहाँ पर अंदर दिख रहा है, ठीक है, इतना सा आपको समझ में आ गया होगा डीजल इंजन किस तरह से वर्क कर रहा है। और जो पॉइंट मैं बताता जा रहा हूँ उसको नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डीजल इंजन में जो कूलिंग सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से जो वाटर रहता है या कूलिंग कूलेंट रहता है वो किस तरह से सर्कुलेट करता है इंजन के सारे पार्ट्स में। तो आप लोग देखिए, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं एक
लिक्विड कूलिंग सिस्टम मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया है किस तरह से जो आपका कूलेंट रहता है वो इंजन के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट करता है, कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। ये आपका रेडिएटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको लगा है थर्मोस्टेट वाल्व, ठीक है, ये दिख रहा होगा येलो कलर का, आपको ये लगा है थर्मोस्टेट वाल्व, ठीक है। ये आपका फैन लगा है, तो आपको क्लियर हो गया हो किस तरह से ये जाता है। यहाँ पर इंजन की असेंबली है या फिर इंटरनल कम्बशन इंजन यहाँ पर फिट हैगा, ठीक है। तो इतना सा आपको समझ में आ गया हो किस तरह से आपका ये कूलेंट सिस्टम है वो वर्क करता है। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट अपनी थ्योरी सेक्शन पर। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से आपका एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम वर्क करता है एनिमेशन के माध्यम से। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोमेटिक इंजनों में प्रयोग की जाने वाली कूलिंग सिस्टम। और दोस्तों उसमें आता है सबसे पहले लिक्विड कूलिंग की थर्मोसाइफन सिस्टम। अब दोस्तों क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको डायग्राम एक एक पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर आपकी ये जो दिख रही है वो रेडिएटर ट्यूब्स है, यहाँ पर ये फैन लगा हुआ है, ये फिन्स हैं, फिन्स मैंने आपको बता दिया, ये आपका हेडर टैंक है, ठीक है, ये बॉटम टैंक है या फिर अपर टैंक भी बोल सकते हैं, ये टॉप होस है, ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, सिलेंडर जो कि इंटरनल कम्बशन के सिलेंडर होता है, सिलेंडर हेड, ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सिलेंडर हेड है, ठीक है, यहाँ पर बॉटम होज है, ठीक है। इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने आपको एनिमेशन दिखाया था वो इसी चीज़ का था, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि इस जो सिस्टम है उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों ये जो सिस्टम है वो कन्वेक्शन करंट के सिद्धांत पर वर्क करती है, ठीक है, कन्वेक्शन करंट के सिद्धांत पर वर्क करती है। इसमें एक जैकेट सिलेंडर के चारों ओर होता है, इसमें एक जैकेट क्या होता है सिलेंडर के चारों ओर होता है, एक जैकेट होता है इसमें जो सिलेंडर के चारों ओर होता है, ये जैकेट दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो ये दिख रहा है जो बॉडी टाइप की दिख रही है ऊपर, तो ये जैकेट है, ठीक है, ये एक जैकेट होता है जो सिलेंडर के चारों ओर होता है, एक फ्लेक्सिबल हॉस जैकेट के टॉप को रेडिएटर से जोड़ता है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ठीक है। क्या करता है, फ्लेक्सिबल हॉस रहती है जो जैकेट के टॉप को, जैकेट का टॉप यहाँ पर ये ऊपर वाला दिख रहा होगा आपको, ठीक है, वो किससे जोड़ रही है, रेडिएटर के टॉप से जोड़ रही है, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। इसी प्रकार एक अन्य होज होती है जो जैकेट के होज के द्वारा जैकेट के बॉटम को रेडिएटर के बॉटम से जोड़ती है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा जो जैकेट के बॉटम को रेडिएटर के बॉटम से जोड़ रही है, इतना सा आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिलेंडरों से गर्मी के कारण जब कूलेंट गर्म हो जाता है, जब सिलेंडर में क्या होती है हीट जनरेट होती है, उसमें जब क्या होता है कूलेंट गर्म हो जाता है तो वह क्या करने लगता है, फैलने लगता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये हेडर टैंक की ओर उड़ जाता है, ये इसकी जो कूलेंट रहता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ये कहाँ पर उठने लगता है, हेडर टैंक की तरफ उठने लगता है, ठीक है, हेडर टैंक की तरफ उड़ जाता है जो कि इस सिस्टम का हायर पॉइंट होता है। इस सिस्टम का क्या होता है, ये हायर पॉइंट होता है, रेडिएटर में कूलेंट का क्या होता है टेम्परेचर गिर जाता है, जब रेडिएटर में जाता है कूलेंट तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि ट्यूबों, ये जो ट्यूबों दिख रहा है ना, क्योंकि ट्यूबों के ऊपर से हवा गुजरती है, यहाँ से क्या गुजरती है, एयर गुजरती है इस तरह से, ठीक है, एयर गुजरती है जो जिससे क्या होता है कूलेंट सिकुड़ जाता है, इसका डेंसिटी क्या होती है बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है, इस प्रकार जो सिस्टम के बॉटम में गिर जाता है, यहाँ पर गिर जाता है लिक्विड कूलिंग में जो आपकी थर्मोसाइफन सिस्टम है, ठीक है। तो आपको थर्मोसाइफन सिस्टम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, सबसे पहला इसका आता है नाम, इसका नाम है पंप सर्कुलेशन। पंप सर्कुलेशन क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज देखिए, पंप सर्कुलेशन कहाँ पर फिट होता है, यहाँ पर देखिए जो पंप यहाँ पर लगा है कूलेंट सर्कुलेशन पंप, ठीक है। पंप सर्कुलेशन में क्या होता है दोस्तों, सभी मॉडर्न इंजनों में कूलेंट के पॉजिटिव सर्कुलेशन के लिए पंप का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पॉइंट आउट कराया, ठीक है। कूलेंट को इंजन के टॉप से रेडिएटर के टॉप तक क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। लास्ट मैंने आपको दिखाया था कूलेंट को क्या किया जाता है, इंजन के टॉप से रेडिएटर के टॉप तक क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि रेडिएटर में इसके वहाव के दौरान गर्मी क्या होती है, हवा में चली जाती है, जो इसकी हीट जनरेट होती है वो कहाँ चली जाती है, एयर में चली जाती है, तब कूलेंट को वापस इंजन में पंप किया जाता है, फिर कूलेंट को क्या किया जाता है, इंजन को वापस पंप किया जाता है। कूलेंट जो होता है वो सर्कुलेशन के कई पार्ट्स होते हैं, जो कूलेंट सर्कुलेशन होता है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है वाटर पंप। वाटर पंप कहाँ पर फिट होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ वाटर पंप कहाँ पर फिट होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वाटर पंप कहाँ पर लगा रहता है एक आपके कूलिंग सिस्टम में, तो दोस्तों यहाँ पर आपका लगा है वाटर पंप, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो लगा है ये ब्लैक ब्लैक सा, इसको बोलते हैं दोस्तों वाटर पंप। अब दोस्तों इसका क्या वर्किंग प्रोसेस, तो आप ध्यान से सुनिएगा, इंजन के सामने वाले सिरे पर एक इंपेलर टाइप वाटर पंप को क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट के सिरे पर लगी हुई पुली बेल्ट के द्वारा, क्रैंकशाफ्ट के सिरे पर एक पुली लगी रहती है जो बेल्ट के द्वारा क्या करती है, उस पंप को चलाती है, ठीक है। यह कूलेंट को रेडिएटर के बॉटम से, ये जो आपका वाटर पंप होता है वो कूलेंट को
रेडिएटर के बॉटम से इंजन की वाटर जैकेट की ओर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। मैंने आपको दिखाया था वहां पर, आपको रेडिएटर का बॉटम भी दिखाया था और जैकेट का बॉटम भी दिखाया था। तो ये क्या कर रहा है, उस कूलेंट को रेडिएटर के बॉटम से इंजन की वाटर जैकेट की ओर क्या कर रहा है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, तब कूलेंट वाटर क्या होता है, जैकेट से निकलकर रेडिएटर के हेड टैंक तक क्या करता है, मूव कर जाता है। वो आपने देखा होगा वाला इमेज में, मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, तो वाटर पंप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वाटर पंप का क्या वर्क है, ठीक है, ये इस तरह की आपकी इमेज है और कहाँ पर फिट रहता है ये आपको दिख रहा होगा वाटर पंप। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है कि रेडिएटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेडिएटर, रेडिएटर आपको रियल लाइफ में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, अब लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके दो अलग अलग सर्किट होते हैं, एक कूलेंट के लिए और दूसरा किसके लिए होता है, हवा के लिए होता है। रियल एक्चुअल इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक इसका सर्कुलेट क्या होता है, कूलेंट के लिए, और दूसरा क्या होता है, हवा के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, इसके अंदर रेडिएटर प्रेशर कैप में प्रेशर वाल्व और वैक्यूम वाल्व लगा होता है। रेडिएटर प्रेशर कैप में क्या लगा रहता है, प्रेशर वाल्व और वैक्यूम वाल्व लगा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है इसमें प्रेशर वाल्व और क्या लगा रहता है, वैक्यूम वाल्व लगा होता है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है, जो आपका रेडिएटर प्रेशर कैप है ये ऊपर वाला, उसमें प्रेशर वाल्व और वैक्यूम वाल्व भी लगा रहता है। क्या होता है प्रेशर वाल्व और वैक्यूम वाल्व, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ये आपका टॉप टैंक है, ये बॉटम है, ये तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। इधर से क्या होता है, गर्म पानी जाता है और यहाँ से ठंडा पानी निकलता है। रेडिएटर का वर्क यही तो है। ठीक है, यहाँ से कूलिंग एयर पास की जाती है। ठीक है, नस आपको याद रखना है। और इसमें क्या रहता है, फिलर कैप, जो प्रेशर रेडिएटर प्रेशर कैप है उसमें क्या लगा रहता है, प्रेशर वाल्व और क्या लगा रहता है, वैक्यूम वाल्व लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि रेडिएटर जो रहता है वो ज़्यादातर पीतल या तांबे के बनाए जाते हैं, यानी कॉपर के बनाए जाते हैं। ठीक है, रेडिएटर में पानी का जो फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। जो वाटर रहता है उसका जो फ्लो रहता है वो आपका ऊपर से क्या होता है, नीचे की ओर होता है, यानी टॉप टू बॉटम होता है। ठीक है, अगर वेट की बात की जाए तो जो वेट में कैसे होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है रेडिएटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब उससे एक पॉइंट आता है आपका, रेडिएटर फैन या रेडिएटर पंखा, या उसको सिंपल फैन भी बोलते हैं, किस तरह से दिखता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था एक असेंबली में आपके रेडिएटर के पीछे आपके फैन भी लगा था, तो वही फैन के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होता है इसमें दोस्तों, इसमें चार या चार से अधिक क्या होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं। इसको रेडिएटर के पीछे क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है आपके रेडिएटर पंखे को, इससे क्रैंकशाफ्ट पर लगी एक पुली से बेल्ट द्वारा चलाया जाता है। इसे क्या करते हैं, क्रैंकशाफ्ट पर लगी एक पुली से बेल्ट द्वारा चलाया जाता है आपके रेडिएटर फैन को। ठीक है, जब ये घूमता है आपका रेडिएटर फैन, तो हवा रेडिएटर से होती हुई इंजन के पीछे की ओर खींची चली जाती है। पंखे की बेल्ट को सही एडजस्ट करना बहुत आवश्यक होता है, जो पंखे की बेल्ट होती है उसको सही से एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है, रेडिएटर फैन में दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि थर्मोस्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये भी आपका, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है दोस्तों, थर्मोस्टेट कुछ नहीं होता है, थर्मोस्टेट जो होता है वो आपका एक बाल्ब होता है। ठीक है, क्या होता है, एक बाल्ब होता है थर्मोस्टेट। अब किस तरह से दिखता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, थर्मोस्टेट वाल्व। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। जब इंजन पूरी तरह ठंडा होता है तब वह अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं करता है। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। वह ईंधन की अधिक खपत करता है, कम पावर उत्पन्न करता है, और जब वह अपने नॉर्मल तापमान पर चल रहा होता है तो इसकी अपेक्षा वह बहुत अधिक घिसावट के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसलिए जरूरी होता है कि जितनी जल्दी हो सके इंजन को उसके नॉर्मल रनिंग टेम्परेचर तक गर्म होने दिया जाए। ठीक है, जिसका मतलब यह है कि कूलिंग सिस्टम को टर्निंग ऑफ करना। ठीक है, कूलिंग सिस्टम को बंद करना या टर्निंग ऑफ करना। ठीक है, थर्मोस्टेट जो बाल्ब है वो इसी का कार्य करता है। अब किस तरह से असेंबल होता है आपका थर्मोस्टेट, ये भी आप देख लीजिए। इस तरह से आपके जो सिस्टम रहता है उसमें ये असेंबल रहता है थर्मोस्टेट, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, असेंबल रहता है आपका थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट वाल्व की कुछ वर्किंग है, तो थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में आप लोग सुन लीजिए। थर्मोस्टेट वाल्व है जो कि पूर्व निर्धारित टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली क्या करता है, खुल जाता है। क्या करता है, जो पहले से उसका टेम्परेचर है कि इतने टेम्परेचर वो खुलना चाहिए आपका थर्मोस्टेट वाल्व, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ठीक है, इसे इंजन से रेडिएटर तक जाने वाली पानी की पाइप में लगाया जाता है। जो इंजन से रेडिएटर तक जो पाइप जा रही है उसमें लगाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको असेंबली में दिखाया था कहाँ पर आपका वो रेडिएटर तक जो आपकी पाइप लाइन जा रही थी इंजन से, उसमें फिट किया था आपका थर्मोस्टेट वाल्व, मैंने आपको लास्ट में दिखाया भी था। ठीक है, जब इंजन थोड़ा ठंडा होता है तो थर्मोस्टेट क्या होता है, बंद होता है, और वाटर पंप सिलेंडर ब्लैक के चारों ओर साधारण रूप से पानी को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, इतना सा आपको ये भी याद रखना है। जब इंजन अपने सही टेम्परेचर पहुंच जाता है तो थर्मोस्टेट क्या होता है, ओपन खुल जाता है। जो इंजन अपने सही टेम्परेचर पहुंच जाएगा
तो थर्मोस्टेट क्या होता है, खुल जाता है, ठीक है। और इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर से होते हुए पानी को क्या करता है, सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। अब जो आपका थर्मोस्टेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आपको नाम याद रखना है, इनके वर्किंग प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नाम याद रखना है। जो थर्मोस्टेट वॉल्व होते हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके, एक होता है बेलोस टाइप और एक होता है बैक्स पैलेट टाइप, ठीक है। दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि रेडिएटर प्रेशर कैप। रेडिएटर प्रेशर कैप क्या था, जो रेडिएटर के ऊपर लगा था एक कैप, मैंने आपको बताया था उसके अंदर दो वाल्व रहते हैं, एक होता है प्रेशर वाल्व और एक होता है वैक्यूम वाल्व। अब क्या होता है रेडिएटर प्रेशर वाल्व, तो आप लोग सबसे पहले प्रेशर कैप के इमेज देख लीजिए। रेडिएटर प्रेशर कैप आपको इस तरह से दिखता है, ठीक है। रेडिएटर प्रेशर कैप, ये पूरा सिस्टम आपको रेडिएटर प्रेशर कैप का ही है, ठीक है। यहाँ पर आपका लगा रहता है प्रेशर वाल्व, ठीक है। ये आपका लगा रहता है वैक्यूम वाल्व, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपकी रेडिएटर कोर है, ठीक है, रेडिएटर कोर है, ठीक है। अब एक एक वन बाय वन करके इसके सारे पॉइंट्स हम लोग अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, जो वाटर होता है वो वायुमंडली प्रेशर के अंतर्गत क्या होता है, 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है। 100 सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वाटर बॉयल होने लगता है। जब कूलिंग सिस्टम प्रेशर के अंतर्गत होता है, ठीक है, जब आपका कूलिंग सिस्टम प्रेशर के अंदर होता है, तब उबलने के पॉइंट में क्या होता है, वृद्धि होने से इंजन उच्च तापमान पर ऑपरेटिंग परिणामों में काफी सुधार आया था। जो ऑपरेटिंग परिणाम होते हैं उसके, उसमें काफी सुधार हो जाता है उबलने के पॉइंट में अगर वृद्धि हो जाए तो, ठीक है। सिस्टम के ऑपरेटिंग प्रेशर को रेडिएटर कैप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी क्या बात आपके सामने निकल के आया कि सिस्टम के ऑपरेटिंग प्रेशर को रेडिएटर कैप के द्वारा क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर रेडिएटर कैप को रेडिएटर टॉप टैंक फिलर नेक भाग में फिट किया जाता है, ठीक है। प्रेशर रेडिएटर कैप को कहाँ फिट किया जाता है, रेडिएटर टॉप टैंक फिलर नेक में फिट किया जाता है। यहाँ पर आप देखो दिख रहा होगा रेडिएटर टॉप टैंक फिलर नेक, ठीक है, इसमें आपका रेडिएटर प्रेशर कैप फिट किया गया है, ठीक है। इसके अंदर दो वाल्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है वैक्यूम वाल्व और एक होता है प्रेशर वाल्व। वन बाय वन करके हम इसको भी जानते हैं। प्रेशर वाल्व क्या होता है दोस्तों, प्रेशर बढ़ने की स्थिति में कूलिंग सिस्टम के कंपोनेंट खराब हो सकते हैं, इससे बचने के लिए एक प्रेशर वाल्व को लगाया जाता है। ये स्प्रिंग लोडेड होता है और आवश्यकता से अधिक क्या करता है, प्रेशर को रिलीज करता है, आपका प्रेशर वाल्व, ठीक है। प्रेशर वाल्व का काम क्या है, प्रेशर बढ़ने की स्थिति में कूलिंग सिस्टम के क्या करता है, कंपोनेंट्स खराब होने से बचाता है आपका। जितने ज़्यादा प्रेशर होगा उसको रिलीज कर देगा आपका प्रेशर वॉल्व, ठीक है। किस तरह से दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बगल में ही लगा है प्रेशर वॉल्व, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है वैक्यूम वॉल्व। वैक्यूम वॉल्व क्या है, जब इंजन ठंडा होता है यानी कोल्ड होता है, इस सिस्टम का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये कूलेंट के कम होने के कारण होता है और ये क्या करता है, वैक्यूम जनरेट करता है, वैक्यूम बनाता है, ठीक है। इस समय पर वैक्यूम वाल्व खुल जाता है और हवा को प्रवेश होने देता है, ठीक है। वैक्यूम वाल्व कहाँ पर फिट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका वैक्यूम वाल्व फिट है, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है वैक्यूम वाल्व के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाटर जैकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी वाटर जैकेट। दोस्तों, जो वाटर जैकेट होती है वो सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में वाटर जैकेट्स बने होते हैं, ठीक है। रेडिएटर से ठंडा पानी वाटर जैकेट्स में बहता है, रेडिएटर से जो ठंडा पानी होता है, कोल्ड वाटर होता है, वो किस में बहता है, वाटर जैकेट में फ्लो करता है। और ये पानी गर्म पार्ट्स की गर्मी को क्या करता है, रेडिएटर तक ले जाता है। जो ये पानी रहता है आपका, वाटर रहता है, वो गर्म पार्ट्स की गर्मी रहती है उसको रेडिएटर तक ले जाता है आपका वाटर जैकेट, ठीक है। वाटर जैकेट आपको दिख रहा होगा, ये आपकी वाटर जैकेट ऊपर की तरफ दिख रही होगी, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा वाटर जैकेट के बारे में। अब जमावरोधी बिलियन भी आता है दोस्तों, एक पॉइंट आपका, जमावरोधी बिलियन क्या होता है दोस्तों, जल के ना जमने के लिए, जो वाटर रहता है उसको फ्रीज ना होने के लिए, हम जल में एक सॉल्वेंट या विलयन मिलाते हैं, ठीक है, जिससे जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीज विलयन कहते हैं। इसके लिए जल में क्या करते हैं, मैथेनॉल या एथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है जमावरोधी विलयन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लास्ट एक इमेज और दिखाना, मैं भूल गया था कि वाटर जैकेट इस तरह से फिट रहती है, ठीक है, सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक में, ठीक है। वाटर जैकेट क्या करती है, रेडिएटर से ठंडा पानी वाटर जैकेट में बहता है और ये पानी गर्म पार्ट्स की गर्मी को रेडिएटर तक ले जाता है, ठीक है, जो आपका वाटर जैकेट है, ठीक है, इतना सा आपको समझ में आ गया होगा वाटर जैकेट के बारे में। नेक्स्ट आता है कि जमावरोधी मिश्रण। अभी हमने जमावरोधी विलयन पढ़ा, अभी जमावरोधी मिश्रण या मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। कूलिंग सिस्टम में दोस्तों पानी का जमाव रोकने के लिए उसमें जमावरोधी मिश्रण का घोल एंटी फ्रिज मिक्सचर मिला देते हैं, ठीक है। कौन कौन से इसमें पदार्थ यूज़ किए जाते हैं, ग्लिसरीन यूज़ किया जाता है, वुड एल्कोहल यूज़ किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और एल्कोहल तथा ग्लिसरीन का मिश्रण जमावरोधी मिश्रण के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। अब टाइप्स ऑफ कूलेंट भी इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से कूलेंट्स होते हैं, मुख्यतः तीन होते हैं, एक होता है एथिलीन ग्लाइकोल या परंपरागत कूलेंट, ठीक है, हरे रंग का होता है आपका एथिलीन ग्लाइकोल, आपको रंग अच्छे से याद रखना है क्योंकि पेपर में अगर ज़्यादा पूछेगा तो कलर ही पूछेगा, और ये भी पूछ लेगा सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा किया जाता है, तो आप लोग याद रख सकते हैं एथिलीन ग्लाइकोल या ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे परंपरागत
कूलेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग लाइफ या एक्सटेंडिंग लाइफ जो आपका कूलेंट है, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ये पीले रंग का होता है। एक होता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ये कैसा होता है, लाल रंग का होता है। सबके पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका कूलिंग प्रणाली की देखरेख कैसे करते हैं या उसके मेंटेनेंस कैसे करते हैं, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। इंजन को बाहरी रूप से पानी से धोने, जो बाहर रहता है, बाहर से एक्सटर्नल टाइप, बाहरी नहीं है, बाहरी है, ठीक है, एक्सटर्नल रूप से पानी से धोने बाद साफ करने के कुछ फ़ायदे हैं, मतलब धोने से कुछ फ़ायदे होते हैं। कौन से फ़ायदे होते हैं, इंजन के पुर्जों के जो संभावित नुकसान का होता है पता चल जाता है धोने से, ठीक है। इंजन में जंग नहीं लगता, इंजन की कूलिंग क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। रेडिएटर को साफ करने के लिए रिवर्स फ्लैशिंग का यूज़ किया जाता है, इतना सा ये पॉइंट भी आपको याद करना चाहिए कि रेडिएटर को साफ करने के लिए रिवर्स फ्लैशिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कूलिंग सिस्टम की मेंटेनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो भी मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक से, ठीक है, एक अच्छे से कमेंट से, कमेंट करके बताइए यदि कोई भी डाउट हो, ठीक है, और भी कोई अगर कुछ चीज डाउट आ रहा हो तो वो भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।